दिस इज हिमांशु रंजन. टुडे आई केम अप विद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू. टुडे आई इनवाइटेड मिस्टर अंकित. ही इज अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट. ही इज करेंटली वर्किंग इन निपको. निपको इज ए सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी. ओके, सो टुडे ही विल गाइड यू कि आप कैसे पीएसयू का प्रिपरेशन कर सकते हो. इन्होंने बहुत सारे एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है और इन्होंने सिलेक्शन भी लिया है पीएसयू में. सो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. जो लोग नॉर्मली प्रिपरेशन करते हैं उन लोग को भी हेल्प होगा, और जो लोग कैंपस के लिए प्रिपरेशन करते हैं उन लोग के लिए भी आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, सो आपको मिस्टर अंकित, वेलकम टू हिमांशु क्लासेस. सो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. नमस्कार नमस्कार हिमांशु जी, मेरा नाम अंकित चौहान है. मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और करंटली मैं निपको में काम कर रहा हूं और yes. मैंने मार्च में ज्वाइन किया था. यस, सो आप बताइए कि आपका निपको में सिलेक्शन कैसे हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या था निपको में, और निपको है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हो सकता नहीं है, पर निपको बहुत बड़ा कंपनी जहां तक मुझे पता है. आप बताइए. जी, निपको में नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है. हाँ. जो कि एनटीपीसी का 100% सब्सिडियरी है. yes. और इसके पास 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2 थर्मल प्रोजेक्ट्स और 1 सोलर प्रोजेक्ट इसका अभी प्रोसेस में है. और निपको में मेरा सिलेक्शन बाय इंटरव्यू हुआ था. मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे और शॉर्टलिस्टिंग के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया था जनवरी में, और 25 जैन को मैंने इंटरव्यू दिया था. और उसके बाद इनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद मुझे मार्च में ज्वाइनिंग मिली थी. सो आप अपना इससे पहले भी आपने वर्क किया है ना यूपी में, एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट काम किए थे. सो आप उसके बारे में बताइएगा. उसका उसमें बेसिकली 2016 में वैकेंसी निकली थी और उसमें यूपीपीसीएल में भी मैंने रिटर्न क्लियर किया था और हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लियर किया था, जिसमें यूपीपीसीएल में मैं इंटरव्यू में नहीं क्लियर कर पाया था. हेल्थ डिपार्टमेंट के इंटरव्यू मैंने क्लियर कर लिया था. तो 2016 में मैंने ज्वाइन कर लिया. ओके ओके, बोलिए. जहां तक मुझे लगता है यूपीपीसीएल में अब अकाउंट्स असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं होता है ना. असिस्टेंट अकाउंटेंट में तब इंटरव्यू था, 2016 में इंटरव्यू था, अब हट गया. ओके ओके ओके, ठीक है, आप कंटिन्यू करिए. हाँ, मैंने जो है 2016 में ज्वाइन कर लिया था. उसके बाद से मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कानपुर नगर में 6 साल 9 महीने मैंने कार्य किया है. और तत्पश्चात मैंने 2021 दिसंबर अटेम्प्ट में सीएमए क्लियर किया. उसके बाद जो क्वालिफाइड वैकेंसीज निकल रही थी उनके लिए मैंने अप्लाई किया, और जिसमें मैंने जो है कई पीएसयूज में रिटर्न दिए, जिसमें ओएनजीसी है, एनटीपीसी है और निपको है, और कई में मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू दिए हैं, जिसमें टीएचडीसी हो गया और निपको को डायरेक्ट इंटरव्यू भेजता है, उसमें सिलेक्शन हुआ था. तो आपने इंटरव्यू दिया है, एनटीपीसी हो गया, निपको हो गया, आपने टीएचडीसी का भी दिया है, जिसमें आपने आपका आपका सिलेक्शन हुआ है निपको में, एनटीपीसी में. और भी अगर इंटरव्यू का बात किया जाए तो आपने गेल का भी दिया है, इंडियन ऑयल का भी दिया है. सो आप अपना थोड़ा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइएगा, ताकि जो भी लोग आगे का एग्जाम, हम लोग कंपनी वाइज हम लोग बात करते हैं, पहले हम लोग गेल और इंडियन ऑयल का बात करते हैं कि उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्राइटेरिया रहता है. अब आपने ये तो दिया था कैंपस में ना, गेल जी, का और ये कैंपस में मेरा गेल और क्या इंडियन ऑयल में मेरा कैंपस से शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, जो कि जो है दिल्ली में मेरा सेंटर था. उसमें बेसिकली गेल में सबसे पहले उन्होंने मुझसे गेल के बारे में पूछा था, और मुझसे पूछा था कि गेल का जो इस समय का करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में बताइए, और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था गेल का शेयर प्राइस क्या है करंट में. तो और उसके बाद जब मैंने इसका आंसर दिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है इनकम टैक्स स्लैब्स के बारे में पूछा था, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे जीएसटी स्लैब्स पूछे थे, और फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपने बैलेंस शीट स्टडी की है कि नहीं. तो अनफॉर्चुनेटली मैंने गेल की बैलेंस शीट नहीं स्टडी की थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था. तो वो मेरा एक डिमेरिट था. मैं अपने साथियों से जरूर ये कह के जाना कहूंगा कि जिस भी पीएसयू या कंपनी में आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है, तो उसकी बैलेंस शीट, एनुअल स्टेटमेंट लास्ट 2 इयर्स का जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि कंपैरेटिव प्रॉफिट, कंपैरेटिव सेल्स और उससे कंपैरेटिव जितने भी एनालिसिस हैं वो पूछ सकते हैं, रेशियोज पूछते हैं. उससे करंट रेशियो पूछा था, और फिर उसके बाद हम लोग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कार्य करते हैं तो कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं,
और एक सिचुएशन क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वो मांगते हैं कि आप एनालिसिस करके अगर हमारी बैलेंस शीट पढ़ के आए हैं तो वो बताइए कि हम कैसे अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकेंडली ये गेल का था, इंडियन ऑयल में बेसिकली उन्होंने मुझसे, मैं फॉर्चुनेटली इंडियन ऑयल का बैलेंस शीट पढ़ के गया था, उन्होंने उससे तुरंत इंडियन ऑयल के बैलेंस शीट के बारे में पूछा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पूछा, करंट ईयर का प्रॉफिट पूछा और मुझसे जो है शेयर के बारे में पूछा था, तो वो भी मैंने बता दिया था इंडियन ऑयल के बाद। हाँ इंडियन ऑयल के ऐसे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एज अ जनरल शेयर होल्डर क्या आप इंडियन ऑयल में इन्वेस्ट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। तो मैंने सेटिस्फैक्टरी जवाब देते हुए मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म में इंडियन ऑयल स्विच कर रहा है ईवीज की तरफ, इलेक्ट्रॉनिक उसके उपकरणों की तरफ, और ओला के साथ उसका भी कोलैबोरेशन हुआ था कुछ जगहों पे। तो मेरा इंडियन ऑयल का इंटरव्यू अच्छा गया था और मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन काफी पुराना था और मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मेरे ज्यादा थे और मैं रैंकर नहीं था, अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और कैंपस में इस चीज की प्राथमिकता रहती है। ये मैं जो हमारे साथी हैं उनके लिए प्लस भी है माइनस भी है, जो हमारे मित्र कर हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको कैंपस में जरूर अपर हैंड रहता है, जो रैंकर्स और जो है फर्स्ट अटेम्प्टर्स होते हैं। मतलब इंडियन ऑयल का बात कर रहे थे अभी कि आपका अटेम्प्ट ज्यादा हो गया था इसके कारण थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुआ। बिल्कुल। आखिरकार आप अभी पीएससी में काम कर रहे हैं तो ठीक है, होता है सबका लाइफ में थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। इंटरव्यू आपने दिया था निपको का दिया और एनटीपीसी में, जो कि आपने क्लियर भी किया और आप ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं निपको में, सो आप निपको के बारे में बताइएगा उसमें क्या पूछा गया था। हाँ निपको में जैसा मैंने बताया कि बैलेंस शीट से क्वेश्चंस पूछे गए थे निपको में, और फिर उन्होंने इंडीएस से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे और गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में पूछा था, सेगमेंटल रिपोर्टिंग के बारे में पूछा था, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स पूछे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है अमेंडमेंट्स पूछे थे जो लेटेस्ट इनकम टैक्स में आए थे, और फिर उन्होंने मुझसे जो है न्यू स्लैब्स के बारे में पूछा था, जो न्यू रिजाइम लागू हुई थी वो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी कि आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप कार्य कर रहे हैं और निपको में बहुत करोड़ों की लॉजिस्टिक्स खरीद के रख दी जाती है, तो उसके बारे में एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप क्या निर्णय लेंगे, हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो हम फॉलो करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो हमारे ईडी हाइड्रो हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाइड्रो, उनके द्वारा पूछा गया था, तो मैंने उनको सेटिस्फाई करते हुए काइजन कॉस्टिंग के बारे में बताया था, और मैंने अन इवेंट अरेंज के होते हुए परचेज को मैंने सही ठहराते हुए उसको मैंने कहा था कि एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट मैं इसको अप्रूव करूंगा। और सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन हमारे जो कॉस्टिंग से रिलेटेड थे एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट पूछे गए थे, क्योंकि हमारे करंट में जो डीएफ हैं सर महाराणा सर वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जो सीजीएम सर हैं, ईडी हैं, वो भी कॉस्ट अकाउंटेंट हैं। So, हम लोग आगे बढ़ते हैं, टीएचडीसी के बारे में बात करते हैं, आपने टीएचडीसी का भी इंटरव्यू दिया है, so, उसके बारे में थोड़ा बताइए। टीएचडीसी के बारे में, टीएचडीसी में उन्होंने मुझसे करंट में मेरे वर्किंग के बारे में पूछा था कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या, तो मैंने उनको बताया था कि मैं आशा पेमेंट, सैलरी पेमेंट और वेंडर पेमेंट और रिपोर्टिंग का कार्य करता हूँ। तो उन्होंने मुझसे जो संबंधित आशाएं बहने होती है हमारी उनके मुख्यतः भुगतान के विवरण में पूछा था कि भुगतान की प्रक्रिया क्या फॉलो की जाती है, और आए दिन न्यूज में हम सुनते हैं कि आशाओं को भुगतान कम हो रहा है, इसका रीजन क्या है आपके से। तो मैंने उनको बताया था कि आशाएं एक तरीके से हमारी जो है सोशल वर्कर होती हैं और उनका भुगतान उनके कार्य के आधार पर किया जाता है, और जो आशाएं उस पर संतोषजनक कार्य नहीं करती हैं तो उनका भुगतान उस प्रोपोर्शन में काटा जाता है, इस वजह से भुगतान ना होना एक एक संपूर्ण विश्लेषण नहीं है, भुगतान कम होता है ये मैंने उनको बताया था। बाकी उन्होंने मुझसे इनकम टैक्स के बारे में पूछा था और कंपनी के प्रॉफिट के बारे में पूछा था, और ज्यादा देर इंटरव्यू नहीं चला था टीएचडीसी का। So, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एनटीपीसी का बात करते हैं, आपने तो एनटीपीसी का रिटर्न भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया आपने। हाँ, और नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी द्वारा कल वितरण किया गया जो मेल पे आ चुका है। चलिए बहुत 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 बधाई आपको। सो आप बताइए एनटीपीसी में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, रिटर्न में एक्सपीरियंस क्या रहा और आपका इंटरव्यू में एक्सपीरियंस क्या रहा। हाँ रिटर्न में तो देखिए, रिटर्न में मैं अपने सीएमए जितने भी फ्रेटर्निटी के अपने
जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर्स को तो नहीं, जूनियर्स को खैर मैं बताना चाहूंगा कि पीएसयू में हम लोग जो अपना बेसिक कोर स्ट्रक्चर है वो तो हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बट जो हमारा मैथ, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश आता है, कहीं ना कहीं वो हमें सिलेक्शन दिलाता है। मैंने हमेशा उस पर फोकस किया है और उसका फल भी मिला है। ओएनजीसी का भी रिटर्न निकला मेरा, एनटीपीसी का भी निकला, और मैं जो है पीएफआरडीए का भी मैंने रिटर्न निकाला था, मेंस भी दिया था मैंने, अनफॉर्चुनेटली मेंस मेरा नहीं क्लियर हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें कोर सब्जेक्ट हमारे बेसिकली हमारे तैयार हो जाते हैं, और हम जहाँ पर लैक करते हैं, एक तो जनरल अवेयरनेस में लैक करते हैं। मैं जैसे ही निकलता था, मेरे जानने वाले भी रहते थे, उनका यही सबसे बड़ा इशू रहता था कि जीए में हम जो है नहीं कर पाए, जनरल अवेयरनेस हमारा सही नहीं हुआ, मैथ्स हमारा सही नहीं हुआ। और दिक्कत ये होती है कि हर पीएसयू में सेक्शनल कट ऑफ आ जाती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाता है। तो मैं अपने मित्रों से कहूंगा, साथियों से कहूंगा कि थोड़ा सा जो है इन टॉपिकों पे अगर पीएसयू के लिए आप जा रहे हैं तो प्रिपेयर करें जिसमें रिटर्न है, बाकी इंटरव्यू बेसिस के लिए तो क्राइटेरिया अलग हो जाता है। हाँ, और अब सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है जनरली पीएसयू में, ओवरऑल कट ऑफ ही होता है, ओवरऑल कट ऑफ, बट हम लोग वहीं पे मार खाते हैं। ये बोल सकते हो कि जो टेक्निकल जो पार्ट है वो तो लगभग सबका लगभग सिमिलर ही मार्क्स आता है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहता है, जिसका नॉन टेक्निकल थोड़ा बेहतर हो जाता है वो बहुत आगे निकल जाता है। वो सही है। ओके, सो ओएनजीसी का रिटर्न का एक्सपीरियंस क्या रहा था आपका? हाँ, ओएनजीसी का बहुत कोर सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, दिल्ली में ही सेंटर था हम लोगों का, नॉर्थ के जितने भी थे, बहुत ही कोर नॉलेज पूछी गई थी और टफ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। तो मैं तो फॉर्चुनेट था कि मेरा रिटर्न निकल गया था, और मैंने जो पढ़ाई की थी खैर उसी से आया था, और बेसिकली उन्होंने इंडियस पे काफी फोकस किया था, ओएनजीसी वालों ने इंडियस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कॉस्टिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन थे उसमें, और जीएसटी रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल उन्होंने अच्छा कवर किया था, और मैथ्स रीजनिंग उन्होंने बहुत टफ पूछी थी, मतलब जो पीओ लेवल की रीजनिंग थी वो उन्होंने पूछी थी, जिसमें हमारे साथियों को बहुत, जो भी सीए के भी बच्चे आए थे, सीएमएस के भी, उनको काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि रीजनिंग का लेवल इतना अच्छा था कि जो पीओ लेवल को बीट करता था। और ओएनजीसी का एक चीज होता है, मैं जहां तक पेपर देखा हूँ ओएनजीसी का, कि ओएनजीसी का जो पेपर होता है, जो ये लोग सिलेबस जो देते हैं ना, पूरा सिलेबस ही क्वेश्चंस आते हैं, टेक्निकल में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल का, अगर वो सिलेबस जो दिया है ओएनजीसी, अगर सिलेबस को ठीक से देख करके अगर पढ़ाई कर लेगा ना, तो टेक्निकल में पूरा बाकी और भी कंपनी का होता है कि सिलेबस तो देता है पर सिलेबस नाम का रहता है, पर उसका नाम का, जैसे हाँ पर जिसका मुझे लगता है कि ये लोग बाहर से पूछ सकते हैं बोल देता हूँ, पर बहुत लोग को लगता है नहीं सिलेबस से सिलेबस ही पूछेगा। इंटरव्यू में मैंने आपके वीडियोस का भी सहारा लिया है, और मैंने जो है कई मॉक इंटरव्यूज आपके देखे जो कि काफी हेल्पफुल रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो आप आगे बताइएगा कि आपने तो कैंपस में भी अपीयर किया था, आप लोग अब तो कुछ ही दिन में, मतलब एक साल दो साल की तरफ, कब आप क्वालिफाई हुए थे? एक साल के अंदर हाँ क्वालिफाई, 19 फरवरी को रिजल्ट आया था, और मैंने 7 मार्च को मेरा अगले साल मतलब 22 में रिजल्ट आया था, और 23 मार्च में मेरा सिलेक्शन हो गया था निप्को में, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था मेरे को। काफी अच्छा है। सो आप अपना थोड़ा कैंपस के बारे में बताइएगा कि कैंपस में क्या ग्रेजुएशन, जैसे जो लोग कैंपस के लिए अपीयर होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ग्रेजुएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है? हाँ, ग्रेजुएशन काफी बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ, बहुत लोग क्या होता है ना, सीए करते हैं, सीएमए करते हैं, पर वो ग्रेजुएशन नहीं करते, बोलते सीए हो जाएगा ना, सीएमए कर लेंगे तो ग्रेजुएशन क्या करेगा कर करके। पीएसयू का क्राइटेरिया ही है कि जो है उसमें बीकॉम ग्रेजुएट तो लेते ही लेते हैं विद सीएसएम, तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है भाई। मैं एडवाइस भी करूंगा कि आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत ग्रेजुएशन तो साथ साथ करना चाहिए, और कैंपस में तो बेसिकली आपके जितने भी अच्छे मार्क्स होते हैं ग्रेजुएशन और सीएमए सीएमए मतलब सीएमए जो भी हम लोग के कैंपस में, तो परसेंटेज बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो अगर आपको जितने अच्छे मार्क्स होते हैं उतना अच्छा कंपनी में आप शॉर्टलिस्ट होते हो, और मेरे जानने वाले कई रैंकर्स हैं जो अच्छे अच्छे आईआरएफसी में, हमारा जानने वाला अमन है जो बिहार से हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं, और
उनके अच्छे परसेंटेज थे, उनका उनका इंडियन ऑयल गेल सब में शॉर्टलिस्टिंग था, बट उन्होंने आईआरएफसी को प्राथमिकता पे रखते हुए उन्होंने वहां ज्वाइनिंग ले ली थी। तो बेसिकली ग्रेजुएशन भी बहुत अहम रोल प्ले करता है, आपको ग्रेजुएशन पे उतना ही एम्फेसिस करना चाहिए जितना सीएस एमएस पे कर रहे हो। पीएससीयू बहुत मैटर करते हैं। हाँ वो तो है। आप बताइएगा थोड़ा कि रैंक मैटर करता है कैंपस में? बिल्कुल मैटर करता है, रैंक और फर्स्ट अटेम्प्टर का भाई अपर हैंड रहता है, ये उनको प्रिविलेज भी होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा मेहनत ज्यादा करा होता है, मैं ज्यादा इंसेंस उनको अच्छा जो उनका परफॉर्मेंस रहता है वो उस समय अच्छा होता है, बाकी और भी बच्चे जो पास होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, हम आप भी करते हैं, बट भाई रैंक और फर्स्ट अटेम्प्टर को अपर हैंड रहता है कैंपस में। ये अनस्पोकन ट्रुथ है, जो भी कैंपस में गया है उसको ये बात पता है कि अगर आप रैंकर हैं फर्स्ट अटेम्प्टर हैं तो आपको अपर हैंड है, पीएसयू में तो मेनली अपर हैंड है। हाँ वो बात सही है, जनरली लोग उन्हीं लोग को उठाता ही है जो लोग अब ये रैंकर मैं होता है फिर। वो मार्क्स भी लोग मैटर अपर करता हैंड है, रहे, मार्क्स भी मैटर करता है। मार्क्स भी मैटर करता है क्योंकि आपका शॉर्टलिस्टिंग प्राइमा फेसिया में उसी के आधार पे ही होता है, आपके मार्क्स आने चाहिए तभी आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, और रैंकर तो रैंकर्स का तो अपर हैंड रहता है। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया था? ट्रेनिंग किया मैंने था फूड आपने? कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, हाँ मैंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग किया था 2011 टू 2014, मुरादाबाद में ये इलेवन पोस्टिंग टू थी 2014। ओके 3 ईयर का ट्रेनिंग आपने पहले ही कर लिया था उसके बाद तो फिर आपने, हाँ मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप इंटर के बाद आपने जॉब भी किया ना यूपी गवर्नमेंट में, हाँ जी 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 तो इसलिए आपसे पूछा कि तो आपने एपिलेप्सी भी कर लिया, फिर इसके बाद ये भी कर लिया, आपको टाइम था अपने पास, करते गए, और जो है जो जो समय बचता गया, 2011 में जो है एनरोलमेंट करने के बाद मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया था उसी बार, और उसके बाद फिर मैंने एफसीआई ज्वाइन कर लिया था, मैंने फिर कैंप वही इंस्टीट्यूट से ही एफसीआई में मेरा जो है हुआ था, वहीं पे हाँ एडमिशन होता है कहाँ पे किए थे आप एफसीआई में? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस मुरादाबाद। मुरादाबाद यूपी में पड़ता है। हाँ जी 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 यूपी में पड़ता है। सो ये ओके हम लोग एक बात करते हैं कि जैसे कोई भी लोग अगर पीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि क्वालिफाइड होने के बाद बहुत सारे वैकेंसीज आता है, तो जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको कितना टाइम लगेगा और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? हम लोग एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा थोड़ा। नहीं, बिल्कुल, जो साथी हमारे पीएसयू का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको सीएमए जैसे ही कंप्लीट होता है तो 3 मंथ्स से 6 मंथ्स मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि हमारा कोर सब्जेक्ट तो वैसे भी कंप्लीट होता है, और बेसिकली हमें जो है जो हमारे नॉन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें थोड़ा सा हम लोग को पॉलिश करना होता है, और आजकल तो आप भी इतना स्टडी मटेरियल देते हैं और भी चैनल्स देते हैं तो इतना इशू नहीं आएगा, 6 महीने इज द मोर देन सफिशियंट फॉर एनी पीएसयू एग्जाम विच इज फ्रॉम सीएसईएमए, मतलब आपका क्वालिफिकेशन के आधार पर 6 महीने अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो पीएसयू एग्जाम आप आराम से क्रैक कर सकते हैं डेडिकेशन के साथ। आप एक और क्वेश्चन है जैसे कि आप बताइए थोड़ा कि एमएनसी प्राइवेट सेक्टर से कैसे अच्छा है पीएसयू सेक्टर? नहीं, पीएसयू में सबसे पहले तो आपको जॉब सिक्योरिटी है सबसे बड़ा, वो बात जो जिस चीज के लिए जो है हम लोग प्रयास करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी है फर्स्ट इंस्टेंस, सेकेंड इंस्टेंस आपका जो कोर नॉलेज है वो आप पीएसयू में आपको एक लेवल मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एमएनसीज में थोड़ा सा वर्क कल्चर दूसरे टाइप का होता है, यहाँ पर आपको इजी गोइंग वर्क कल्चर मिलता है, आपको जो है सपोर्टिव सीनियर्स मिलते हैं, और बेसिकली पीएसयू में आपकी पोस्टिंग में जहां भी आपको मिलेगा सबसे पहले आपको अकोमोडेशन देते हैं वो, और एमएनसीज में ये रिइम्बर्समेंट देते हैं बट प्रॉपर अकोमोडेशन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है बड़ी बड़ी कंपनीज को छोड़ के, और आप पीएसयू में किसी भी पीएसयू में आप ज्वाइन करेंगे आपको कंपनी अकोमोडेशन देंगे, और आपके मेडिकल जो जितना भी है उसका ख्याल रखेंगे, आपके अदर बेनिफिट्स वर्क लाइफ बैलेंस जो हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं समझते हैं वो पीएसयू में एकदम चरितार्थ होता है, कि आपको समय मिलता है मेनली सभी पीएसयू में 5 डे वर्किंग है प्रोजेक्ट्स को छोड़ के, और प्रोजेक्ट्स में भी आपको अलग अलग जैसे फ्रिंज लीव्स का मिलता है आपको, आप अगर हफ्ते महीने भर करते हैं तो 7 दिन का फ्रिंज लीव मिलता है जो कि पेड लीव होता है, तो ये सारी चीजें हैम्पर करती हैं एमएनसीज में, और एमएनसीज का वर्क प्रेशर
जितने भी हमारे साथी हैं जो कर रहे हैं उनको भी पता है, और आए दिन हम लोग देखते भी रहते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे निकल के भी आता है। ओके सर, सो थैंक यू फॉर टुडे सेशंस, आपने इतना समय दिया, सो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सो आपका भी वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके थैंक यू सर वीडियो